अस्सलाम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसके बारे में। स्टार्ट में जब इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया तो इंग्लैंड को थोड़ी सी परेशानी हुई चेस के बॉलिंग को सामने मतलब उसका सामना करते हुए, कि वो बड़ी अच्छी स्विंग कर रहा था। इसके अलावा रोज की बॉलिंग का सामना करते हुए उनको थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन बाद में फिर वो लोगों ने काफ़ी मोहतात अंदाज से खेला और उन्होंने पहले टेस्ट मैच से बहुत कुछ सीखा है। इंग्लैंड ने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि उनकी 3 विकेट अब तक गिर चुकी है और ऑलमोस्ट उन्होंने कोई 180 से ऊपर का स्कोर बना लिया है। लेकिन इस दौरान सिबली ने बहुत ही होशियारी के साथ खेला है, स्टोक ने बहुत ही होशियारी के साथ खेला है। हालांकि उन्होंने जरूर को भी शामिल किया इस दफ़ा टीम में, लेकिन इतना जो है उन्होंने वो जो है जरूर ने इतना नहीं खेला। इंग्लैंड ने बड़ा मोहतात अंदाज से अपने बैटिंग का आगाज़ किया। पहले स्टार्ट में की 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन अभी जो चौथी विकेट की जो पार्टनरशिप जारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप है और वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके के साथ, एक प्लानिंग के साथ खेल रही है। इसमें एक बहुत बड़ा जो एक गलती है वो वेस्ट इंडीज़ की अपनी भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने कई कैचेस जो है वो उन्होंने ड्रॉप किए और ऐसे मौके दिए उनको कि वो स्कोर करें। कई ऐसे कैचेस मिस भी हुए हैं, चेस का एक कैच ड्रॉप हुआ था। इसके अलावा शान गैब्रियल जो है उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था स्लिप में, जिसन होल्डर से केमारोज का एक कैच ड्रॉप हुआ था। रिव्यूज़ का गलत इस्तेमाल किया गया। ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो है जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की क्वालिटी ये है कि वो बहुत जल्दी सीखते हैं और उन्होंने अपने पहले मैच से बहुत कुछ सीखा है और उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक कंट्रोल, एक काबू हासिल कर लिया है। अब देखते हैं कि मैच किस जानब जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैच पर इंग्लैंड का एक तरह से कंट्रोल हासिल है। यह दूसरा टेस्ट मैच है, अब वेस्ट इंडीज़ ने इनको आउट कैसे करना है, इन पर ये स्कोर करना कैसे है, फिर इनके ऊपर लीड कैसे डालनी है, अब ये सब कुछ देखना है। लेकिन फिलहाल जो है ये मैच इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। इंग्लैंड ने अब तकरीबन जो है अपने जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो इनके इतने अच्छे नहीं चल सके, लेकिन अभी जो उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जिसमें स्टोक्स और सिबली आते हैं वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सिबली हो सकता है जो उनका नया बैट्समैन है, हो सकता है वो सेंचुरी भी स्कोर करे। तो लेट्स सी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।